हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मुमरा की पहाड़ी पर कब्र को लेकर डाय घर में हिंदू धर्म सभा में आवाज उठी है। हालांकि इस सभा में काजल हिंदुस्तानी के आने को लेकर चर्चाएं तेज थी, मगर वो कार्यक्रम में नहीं आई। शील डाय घर में कल 30 अप्रैल को हिंदू जन जागरण धर्म सभा में बोलते हुए भारतानंद सरस्वती ने कहा है कि मुमरा की पहाड़ी की चोटी पर जो पत्थर है वो महादेव की पिंड है, और यहाँ बनी कब्रों के पास से महादेव की पिंड को मुक्त कराना है। साथ ही कहा कि अगर वन विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो कार्तिवकों के साथ हम खुद जाकर मुक्त कराएंगे। सभा के दौरान भारतानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि गूगल पर भी मुगल ढूंढने पड़ेंगे। हिंदू धर्म सभा के दौरान भारतानंद सरस्वती ने मुमरा की पहाड़ी पर क्या कहा है आपको सुना दें। विश्वनाथ महाराज जी ने कहा कि यहाँ मुमरा के पहाड़ पर लैंड जियात शब्द, लैंड जियात तो काफी सालों से शुरू हो गया। जो मलनगढ़ पर हमारे मच्छिंद्र राज्य की समाधि है, पवित्र समाधि, 40-45 गांव है, सभी की श्रद्धा है, लेकिन वहां पर भी लैंड जियात है और वहां पर दरगाह बनाया गया है। मच्छिंद्र राज की समाधि, पवित्र समाधि है वो। पूनम पर हमारे हिंदू भाई जाते हैं, फिर भी पूरा समय के लिए वो अनुमति नहीं वहां पूजा पाठ करने के लिए। इसलिए हम इस सरकार से मांग करेंगे। और आपको एक बात बताओ, ये मच्छिंद्रनाथ की जो समाधि है ये नाथ पंत की समाधि आती है। हाँ, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है नाथ पंथी है योगी आदित्यनाथ जी, ये बाबा बहुत खतरनाक है। अभी तो केवल महाराष्ट्र के संतों ने आंदोलन किया है। हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार को भी हमने कहा है कि कुछ दिन में ये फैसला करो इसका। और एकनाथ शिंदे जी को कहा यहां बुलडोजर लेकर जाइए, अगर नहीं होगा तो योगी जी दे देंगे आपको बुलडोजर। हाँ, वो बहुत खतरनाक बाबा है। आप सत्ता में तो हमारे मोदी जी एक प्रमुख नेतृत्व में, तब तक ठीक है, अगर योगी जी आ गए ना तो फिर गूगल पर भी मोबाइल ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मच्छिंद्रनाथ की पवित्र समाधि हिंदुओं को स्वाधीन करो, हमारा पावन पवित्र स्थान है, हिंदुओं का हक है, अधिकार है। और इसलिए आने वाले समय में किसी हालत में हम मलनगढ़ मुक्त करेंगे, ये हमारा वचन है, बिल्कुल करेंगे। यहां मुमरा के पहाड़ पर मैंने वीडियो देखा, महाराज जी ने कहा, वो वीडियो में वो मुल्ला बोल रहा है कि यहां 250 लोगों की कब्र है और ये शहीद हुए हैं। पता नहीं है कि कारगिल में शहीद हुए या कहां शहीद हुए, शहीदों की कब्र है बोल रहे, शहीदों की। और केवल मुमरा के पहाड़ पर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में गढ़ किले जितने ही हैं वहां पर कब्रें बनी है, दरगे बने हैं, मस्जिदें बने हैं, पीर बने हैं। ये क्यों है? ये अतिक्रमण जो वन विभाग है ना, फॉरेस्ट, पता नहीं, हमारे बालयोगी सदानंद महाराज जी का आश्रम वहां सालों से, 50 साल से वहां पूजा अर्चा कर रहे, साधना कर रहे, ऐसे साधु का पवित्र आश्रम गिरा दिया। मैं खुद दिल्ली में था, सुप्रीम कोर्ट में वहां रात दिन लोग ये बैठे थे, लेकिन आश्रम गिरा दिया पूरा वन विभाग ने। लेकिन यहां इतने कब्रें बने हैं ऊपर, ये मुमरा के पहाड़ पर है विनु, वन विभाग हिम्मत है वन विभाग में? बिल्कुल नहीं है। केवल हिंदू संतों के मंदिर आश्रम गिराएंगे, गौशाला गिराएंगे। दूसरा एक आता है पुरातत्व विभाग, पता नहीं ये विभाग जो होते हैं इनके ये मूल्य के जमा होते क्या मूल्य इनके? अरे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते, गौशाला तुरंत गिरा देंगे, आश्रम गिरा देंगे। ये पुरातत्व विभाग भगवा झंडा नहीं लगाने देता गढ़ किलों पर, अनुमति लाओ अनुमति, भजन कीर्तन भी नहीं करने देता, कहां से अनुमति लानी?
इसलिए ये दोगलापन क्यों? मुंब्रा के इस पहाड़ पर, ये पर्वत पर अनाधिकृत ये कब्रें बनी है, इसको हटाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार, वन विभाग ने, फॉरेस्ट ने हटाने चाहिए। और वहां पर चोटी पर एक पत्थर है और बोलते हैं पत्थर कौन है? हां, शैतान है, राक्षस है, कमाल हो गई, उसके बाल भी दिखते हैं, मुछे दिखती है वो पत्थर का। यहां वो पहाड़ है ना चोटी पर, दूर से दिखाते हैं। अरे मियां, वो शैतान नहीं है, वो महादेव की पिंड है, पिंडी है वो। वो तीसरा नेत्र खुल गया ना, तुम भस्म हो जाओगे। कितना अंधविश्वास है, अंधविश्वास कितना है देखिए। और वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में, वो दाभोलकर कहां गया वो? अरे वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो तो चला गया। वो दूसरा कौन? श्याम मानव। वो मानव है, नाम तो मानव है लेकिन दानव का काम करता है। अब वो बागेश्वर धाम के पीछे पड़ गए, वो तो आरजी लगाते रहते हैं, संतों के पीछे पड़ेंगे। लेकिन यहां ये शैतान बताते, राक्षस बताते उस पत्थर को। ये अंधविश्वास नहीं है, केवल हिंदू संतों त्योहार को ही टारगेट करते। अंधविश्वास समिति जो है, अंधश्रद्धा समिति, ये क्रिश्चियन मिशनरियों की एजेंट है, एजेंट दलाल है, भांड है, भांड भांड बिकाऊ है, एजेंट पैसा लेकर काम करते, हिंदू त्योहारों के खिलाफ, हिंदू संतों के खिलाफ काम करते। केवल ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हमेशा आंदोलन करेगी हिंदू संतों के खिलाफ। और इसलिए ये जो मुंब्रा के पहाड़ पर जो ये कब्रें अनाधिकृत है और वह महादेव की हमारी पिंड है, ये भी मुक्त होनी चाहिए। अगर वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं निकाला तो हम कार सेवा का तो इतिहास है हमारे देश में। हम स्वयं साधु संत और हमारे हिंदू भाई जाकर ये पवित्र स्थान हम मुक्त करेंगे, हम स्वयं जाएंगे।